10 साल से पेरेंट्स बिना कुछ बोले जो स्कूल मैनेजमेंट फी मांगता है हम लोग उनको देते हैं, और एक स्कूल से कई स्कूल बन जाते हैं। लेकिन आपदा के समय में कोविड-19 पैंडेमिक सरकार ने आपदा घोषित किया है, और उस आपदा में भी 3 महीने की सैलरी स्कूल मैनेजमेंट अपनी टीचर्स को नहीं दे पाता है जिन्होंने उनकी फाउंडेशन रखी, और करोड़ों का सरप्लस होने के बावजूद ये हालात हैं। और पेरेंट्स से उम्मीद रखते हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़े हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे नहीं होते हैं, और उनसे उम्मीद करते हैं कि बिना कुछ बोले जब आप कहेंगे हम लोग ला करके पैसा उनको दे देंगे। आप मुझे बताइए, क्या पेरेंट्स के पास चिराग का जिन है जिसको रगड़ने से पैसा बरसता है? तो जब आप इतने बड़े सरप्लस होने के बावजूद आप सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि पेरेंट्स कहाँ से इतना पैसा ला करके देंगे? 3 महीने की जो फी है, कम से कम उसमें कुछ तो कंसेशन होना चाहिए, कुछ तो डायरेक्ट रिलीफ पेरेंट्स को मिलना चाहिए। कम से कम जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, वो तो बच्चों को बाधित नहीं होना चाहिए, कम से कम बच्चों को एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। और बात सिर्फ 3 महीनों की है, हम लोग पूरे साल की वेव ऑफ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 3 महीने की बात है। उसके बावजूद भी अब स्कूल मैनेजमेंट ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं, टीचर्स को निकालने की शर्म आनी चाहिए।